एवरीवन, गुड मॉर्निंग जमा दादी, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभुकेश व्लॉग्स। तो गाइस, आज हमारे मंदिर में फिर से फंक्शन है, तो रोटी वगैरह वहां पे बन गई है, लेकिन मुझे खानी नहीं है, हमें किसी को भी नहीं खानी है, क्योंकि हमारे नवरात्रि चल रहे हैं। तो आज मीनाक्षी को मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि श्वेता रानी चली गई है मार्केट बिना बताए, मुझे भी जाना था, वो आज मुझे बिना बताए चली गई है, तो आज मैं मीनाक्षी को ले जाऊंगी। तो अभी हम मंदिर से होके आते हैं। लेकिन ब्रुजो को कुछ दिया था आज खाने को? दिन को नहीं दिया, सुबह दिया। तो अभी सबसे पहले हम उसको ब्रेड दे देते हैं, नहीं तो बेचारा वो भी भूखा होगा, नहीं तो ऊपर छत से मेरे को आवाजें लगाते हैं, चू 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 उसका खत्म होता है। तो मैं ब्रेड लेके आती हूँ, ठीक है, फिर यहीं पे रुक। तो मैं ले लेती हूँ उसके लिए ब्रेड। यार वो बेचारा तो बोल नहीं सकता है, तो हमें ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना। दो पीस बहुत है, वैसे सुबह भी दिए थे उसको, और दो पीस अभी दे देते हैं, बाकी उसका खाना आगे देते हैं, हम 10-15 मिनट में होके आ जाएंगे। ये बेचारा यहाँ पे है, क्या हुआ क्या हुआ? जाना नीचे? नीचे नहीं जाना है, पहले ब्रेड खानी है। नो नो, मेरे को नहीं खाना है, मेरा फोन खाना है। क्या फोन चाट रहा है? फोन खाना है, ब्रेड खानी है? चल मैं देती हूँ। ओ गिर गई यार, मैं खुद खिलाऊंगी, रुक जा, ये ले खाएगा, रुक जा मैं तोड़ के खिलाती हूँ, ऐसे खाई नहीं जाएगी, रुक जा रुक जा, मेरा हाथ नहीं खाना, ये ले खा ले खा ले, रुक मैं तोड़ती हूँ। और छत पे इतनी ज्यादा धूप है ना, आंखें नहीं खुल रही हैं। और आज रोटी वैसे नीचे रखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी वो जो साधु लोग वगैरह आए तो अभी उनको खाना खिलाया जा रहा है, देन उसके बाद बाकी लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये बैठे हैं वो, और अभी गर्मी बहुत है आज, क्या करेंगे। और वहाँ पे बन रहा है खाना, ये लोग तो खाना बनाने के लिए सुबह के लगे हुए हैं, इतनी गर्मी में पूरियाँ बन रही हैं। तेरा मन कर रहा है पूरी खाने का? कोई बात नहीं, मैं इसको पूरी खिला के लाऊंगी, मैंने नहीं खाना, लेकिन मैं इसके साथ जरूर जाऊंगी मंदिर। क्या हो गया, तू खा क्यों नहीं रहा है? और ऊपर से ना मेरे को लगता है इसको भी गर्मी होगी, कुछ खा ही नहीं रहा बेचारा, ब्रेड दी ब्रेड भी नहीं खाई। चल मैं तुझे नीचे ले जाती हूँ रूम में, जाना नीचे, चलो फिर। तो अभी हम मंदिर से होके आते हैं, आंटी रेडी हो रहे थे, तो इसको ले जाते हैं नीचे, इसको हाँ इसको नीचे ले जाते हैं, बेचारे को गर्मी लग रही होगी, तो अंदर फैन के नीचे बिठाती हूँ इसको। कैसे भाग रहे आप, तो मजे कर अब यहाँ पे, ठीक है ना? जब फैन लगा दिया मैंने, मुझे तो मंदिर में इधर कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ आंटी आए थे ना, तो वो 3-4 बार बुला रहे थे, तो मैंने सोचा चलो होके ही आते हैं, वो कह रहे थे कि फास्ट है, कुछ खाना नहीं, लेकिन मत्था टेक के आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। हाँ अभी हम मंदिर से होके आ गए हैं, और चाय का प्रसाद मिला हमें, हम लेके आ गए हैं। तो आंटी को मैंने बोला कि बाद में जाते हैं, खाना वगैरह खाना होगा तो बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी नीचे बहुत ज्यादा रश है, तो तब तक मैं अपने लिए फास्ट वाला बना लेती हूँ कुछ, आ जाओ ना। अभी फास्ट वाला खाना मैंने बना के रख दिया है, तो आज ना गर्मी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, तो ये दूध मैंने सुबह गर्म किया था, लेकिन अभी मुझे डर है कि कहीं फिर से खराब ना हो जाए, एक दिन भी खराब हो गया था, तो अभी मैं इसको बॉइल कर लेती हूँ। और किचन में इतनी ज्यादा गर्मी है ना, क्या बताऊँ। और उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, और मम्मी भी पहुंचने वाले हैं, फिर खाते हैं खाना जाना।
तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लाना था, कल कन्या पूजन है, आज लास्ट नवरात्र है, तो अभी वो कंजकों को देने के लिए थोड़ा सा सामान लाना था। थोड़ा सा वैसे है, दिन में हम गए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो अभी निकले हैं, तो अभी हम सामान लेके आते हैं। अभी हमें फ्रूट्स लेने हैं, लेकिन वो आते टाइम लेंगे क्योंकि जहाँ हमें जाना है वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो फिर क्या फ़ायदा इधर आने का। सो आते टाइम देखते हैं, पहले बाकी वाला काम निपटा लेते हैं। अभी गाड़ी करती हूँ, हमने पीछे पार्क जो सामान कंजकों के लिए लेना था वो तो ले लिया, लेकिन अभी यहाँ से कचहरियों से हमें कुछ काम था, तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ से होके आती है और मैंने मास्क भी करना है। तो आज हम जा रहे हैं इस गली से, मैं एक बार पहले आई हूँ शादी के पहले, तब मैं रमा भूजी के घर पे आई हुई थी, तो उनके साथ आई थी। सारे काम खत्म हो गए, अभी चलते हैं घर की ओर। अभी हम मार्केट से होके आ गए घर, और इतनी ज्यादा गर्मी है ना, और ऊपर से मैंने कपड़े वॉश किए थे आज पूरे वैसे ही पड़े हैं, इनको प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। और 8:30 हो गए, अभी मुझे डिनर भी बनाना है, कुछ फास्ट वाला बनाना है, और तन्नू भैया भी आ गए, उनके लिए खाना बनाना, उन्हें फास्ट नहीं रखा है, तो 2 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं अपने काम पे लगते हैं। और इन कपड़ों को मैं बाद में देखती हूँ क्योंकि अभी अगर कपड़ों में लग जाऊंगी फिर खाने के लिए लेट हो जाएंगे। अभी बना रही हूँ मैं चिल्ले, और इसमें मैंने वो आलू और साबुदाने की खिचड़ी बना के रख दी, एक सब्जी बना के रख दी है, तो ये वैसे मेरे से अच्छा नहीं बना है, जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अभी रात की बज रही 11, और मोस्टली काम मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है, तो अभी मैं थोड़ा यहाँ अपनी बालकनी में वॉक करने आई थी, लेकिन इतनी तेज हवा चल रही है ना, इतना मजा है यहाँ पे, अंदर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और अंदर इतने ज्यादा गर्मी है ना, बाहर का मौसम तो पूरा मेरे को हॉस्टल की याद आ रही है। हॉस्टल में ना बहुत मस्ती किया हमने, बहुत ज्यादा, अंदर इतनी गर्मी होती थी हॉस्टल में, तो हम फ्रेंड्स पता क्या करते थे, हमें लोहे के मंजे मिले हुए थे उसी पे हमने बिस्तर डाला होता था, तो हम अपना अपना मंजा उठा के बाहर ले आते थे, और मतलब कोई 11 बजे के करीब हवा चलना स्टार्ट हो जाती थी, और बाहर इतना मजा आता था ना सोने में, बहुत एंजॉय की। और आज मुझे ऐसी हवा देख के मुझे पूरी ना हॉस्टल की याद आ रही है, और जिन फ्रेंड्स के साथ मैंने हॉस्टल में इतना एंजॉय किया है, अपनी जो 3 साल की जिंदगी है ना बहुत मजे से गुजारी है, और आज वो मेरी फ्रेंड्स कुछ कनाडा में है और कुछ ऑस्ट्रेलिया में, बहुत एंजॉय कर रही है, और ऐसी बात नहीं है, मैं भी यहाँ उधमपुर में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो गाइज आज के ब्लॉग को रखते यहीं तक, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी कहीं जाना है, तो फिर जल्दी उठना पड़ेगा, और साथ में कल कन्या पूजन है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम होगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ब्लॉग एडिटिंग कर लेती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।